हेलो, तो कैसे हो आप लोग भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड जंप कर दी थी अपनी फेवरेट जगह मिलिट्री बेस में। एंड जितने भी यहाँ पर बंदे हैं ना, उनमें मैं क्या तबाही काटूंगा वो आप देखना। एंड गाइस, जैसे मैं ऊपर से कूदा, मेरे हाथ लगी M249। एंड बंदे जो थे अभी सामने वाली बिल्डिंग में मुझे उधरते उतरते फुतरते दिखाई दे रहे थे। मतलब उनमें एकदम हड़कंप मचा हुआ था और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता था। तो फिलहाल गाइस, आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को पूरी वॉच करना, एंड वीडियो में मज़ा आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फिलहाल सामने बंदे थे एंड मेरे हाथ अच्छी खासी गन लग चुकी थी, तो यार फिर घुसना तो बनता है यार उन पर। लोकी के भी आकर के और भैया मेंटेन करो इस चीज। 6:30 भाई, मेरे दोनों टीममेट में कुछ केडी को लेकर बहस चल रही थी एंड मेरे ऊपर बंदे घुस चुके थे। बट यार, इस वाले बंदे को मैंने भरा एंड एक किल मेरे खाते में गया। अब फिलहाल जैसे ही मैंने साइड में आके हील करी, मुझे पता लगा सामने की तरफ और भी बंदे हैं। अब यार, एक सामने बंदा मुझको दिखा था, बट यार मैं रिलोड के चक्कर में लेट हो गया। अब फिलहाल मैंने इस बंदे को फिनिश किया एंड 3 किल अपने खाते में किए। एंड जो बंदे मुझे यहाँ पर दिखाई दिए ना, सबको एक साइड से भरना स्टार्ट कर दिया। अब ये वाले बंदे ने मेरे एक बंदे को नोक डाल दिया था एंड ये अगरबत्ती के धुएं में इतना बड़ा नशा करे हुआ था कि मैं क्या ही बताऊं। कि ओपन में ऐसे खुला चला आ रहा था जैसे इसके बाप का राज हो। फिलहाल इसको मैंने भरा एंड मैंने अपनी होल्ड की हुई पोजीशन का अच्छा फ़ायदा उठाया एंड ये किल भी मेरे खाते में गया। कुल मिलाकर 4 किल मेरे हो चुके थे। एंड हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अच्छी सी लूट करो एंड जहाँ जहाँ जाके बंदे मिले वहाँ जाके मारो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर अच्छी खासी लूट की। मेरे हाथ लगी M4 एंड AKM। एंड गाइस, हम लोग यहाँ से निकले एंड पहुँचे सीधा नोवो। ऊपर आ गया दोबारा, ऊपर आ गया भैया, ये जल्दी भैया करण क्या करण। सामने बंदा, Watch out! Guys, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्लच अच्छा लगा होगा। तो यार कमेंट जरूर कर देना, वीडियो कर देना लाइक। एंड फिलहाल जैसे यहाँ पर इन बंदों को मैंने खत्म किया, तभी देखो यार क्या हुआ। बंदा उसके अंदर अब यहां पर आप लोगों ने समझा होगा कि हम लोगों ने उनका दिमाग भटका दिया, क्योंकि मेरा जो टीममेट था वो बग्गी लेके आगे गया एंड वहाँ मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और उन दोनों बंदों को आसानी से भर दिया। तो फिलहाल ये 2 किल मुझे और मिल गए एंड 10 किल मेरे पूरे हो चुके थे एंड रिकॉल टावर पर अभी बंदे काफ़ी थे।
अब ये वाले बंदे को मारते हुए मैं मतलब अपना होस्ट खो बैठा था कि भाई अब नहीं बचूंगा मैं, बट यार लास्ट में जो हेड कनेक्ट हुए ना उन्होंने पूरा काम कर दिया एंड ये किल मतलब मेरे ही खाते में आ गया यही समझो। एंड वो बंदा मैंने जो सी नोक मारा मुझे बिल्कुल एकदम खुला मैदान मिल गया घुसने के लिए। अब फिलहाल हम लोगों ने बग्गी स्टार्ट किया एंड सीधा घुस गए उन बंदों पर। अब आप लोगों से एक मेरा छोटा सा सवाल रहेगा कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ का वेट किया, अब वो चीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। एंड गाइस नहीं भी बताओगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने वेट किया उसकी गन को रिलोड पर आने के लिए, क्योंकि ये जो घर होता है ना इसके जीने पर ऐसा लपड़ा हो जाता है अगर सामने वाले बंदे की मतलब हेड कनेक्ट हो ही जाता है, जहाँ तक पिटता ही हूँ मैं तो हर बार। लेकिन अब इन चीज़ों का वेट करके मैं घुसता हूँ। फिलहाल हम लोग वहाँ से निकले एंड ब्रिज पर बंदे थे, वो बंदे मुझे नोक दिखे एंड दूसरी साइड से भी गोलियाँ चल रही थी तो थोड़ा सही सी पोजिशन लेनी बनती थी। मेरे ऊपर घर बिल्डिंग बहेंगे मैं जिस घर में आऊँ यार उस घर में आएंगे यार। अब आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं, ये दो बंदे मारने के बाद बड़ा ही मजा आया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने गोलियां वेस्ट नहीं की थी, ओनली उतनी ही गोलियां खर्च हुई जितनी में वो मर सकते थे, मतलब एकदम ऐसे लगा जैसे टैप टैप मारा हो। फिलहाल इन दोनों बंदों को मैंने मारा एंड मेरे इसी के साथ किल हो चुके थे 14 एंड बहुत बुरी तरीके से मैंने इनको मतलब ठीक है। तो फिलहाल मेरे 14 किल हो चुके थे एंड गाइस इनकी पेटियां लूटी, अच्छी खासी लूट मेरी हो चुकी थी। इसी के साथ मेरे जो टीममेट थे उन्होंने एक खेल तैयार कर दिया, वो खेल था कार रेसिंग का एंड कार भी एकदम तगड़ी तगड़ी होने वाली है अपनी लैम्बोर्गिनी एंड मतलब मज़ा आने वाला है एकदम, कोई सार्क डासिया पता नहीं क्या क्या ये लोग बोल रहे थे, मैं इनकी बातें सुन रहा था लेकिन मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा था। एंड एक फ्री का किल इसी के साथ 15 किल मेरे पूरे हो चुके थे एंड उसके अंदर वो गन मिल गई जो सबसे बेस्ट लगती है मुझको, एकदम बेस्ट। और इस MG3 गन का मैं ऐसा कमाल दिखाऊंगा इस वाले गेम में, ऐसा क्लच दिखाऊंगा जिसको देख करना आप मतलब एकदम लाइक ठोकोगे, उस चीज़ का इंतजार करना। एंड फिलहाल गाइस पहले आप लोग देखो कार रेसिंग एंड कार रेसिंग में कौन जीतेगा वो आप समझ ही सकते हो कौन जीतने वाला है, जो सबसे तेज कार भगाएगा वही जीतेगा। एंड फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी कर ली थी कार रेसिंग की एंड गाइस देखो यार ध्यान से अरे 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 बस 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 यहाँ पर गाइस मैं जीत चुका था एंड कुछ लोग इस चीज़ को देखकर बोर हो गए होंगे तो गाइस उनसे चाहता हूँ मैं माफ़ी। एंड गाइस हम यहाँ पर क्यों रुके थे क्योंकि मिलिट्री बेस में बंदों की थोड़ी फायर की आवाज़ आई थी एंड जैसे ही वो बंदों के मैं सामने पहुँचा फिर देखो आप एक मेरे पे एक और आ गया, एक और तुम्हारे अंदर कैसे गिरा यार बहुत खाते हैं भाई यार क्यों गिरा कैसे मजा आ गया चलो चलो और बंदे ढूंढो। गाइस ये वाला क्लच आप लोगों को कैसा लगा वो आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना पड़ेगा एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना। अब फिलहाल जो लास्ट में बचे हुए बंदे थे उन मतलब कुछ गड़बड़ी होने वाली है हमारे साथ, वहां पर देखो मेरी कितनी गलतियां रही। तो
अब यार इस बंदे ने मेरा एक टीममेट पहले ऑलरेडी उतार लिया था बग्गी से एंड बाद में मैं, और मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि यहाँ पर मैंने इतनी ऊंची जंप की कि सामने वाले बंदे के पास इतनी अच्छी टीपी भी थी और इतनी ऊंची जंप करोगे वो भी एकदम ओपन से, तो भाई पिटना तो बनता है। तो यहाँ पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी, ना ही तो मैं इस भूल को आगे कभी करने वाला हूँ एंड गाइस ना ही आप लोग करोगे। तो बस इतना ही आज की वाली वीडियो में था, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड जो भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।